गाइस हम लोग एवरीडे शावर लेते हैं बट फिर भी यू नो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा शावर रूटीन इतना इफेक्टिव नहीं है। शरीर के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में डार्कनेस हो रही है, चाहे जितना भी महंगा हम शैम्पू फेस वॉश बॉडी वॉश यूज कर लें बट फिर भी हमें दिन भर इचिंग होती रहती है और कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेट मी शेयर विद यू 10 मिनट सिंपल शावर रूटीन जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए एवरी सिंगल डे। ये ना ही आपके शावर रूटीन को इफेक्टिव बनाएगा, साथ साथ जितनी भी आपको बॉडी और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ देगा। इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग से स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर एंड इंटीमेट केयर हैक्स भी बताऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो शावर रूटीन की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको नेकेड होना पड़ेगा। जो भी आपने शरीर में कपड़े पहने हुए हैं वो सारे उतारने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अंडरवेयर पहन करके शावर लेते हैं, वो भी आपको रिमूव करना चाहिए, तभी आपका शावर रूटीन इफेक्टिव हो पाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग अंडरवेयर पहन करके शावर लेते हैं साबुन वगैरह सब हमारे अंडरवेयर में चला जाता है और हमारा अंडरवेयर डैमेज भी हो जाता है। टू अवॉइड दैट रिमूव ऑल योर क्लोथ। नेक्स्ट इज सेट अ टाइमर। अब मेरे पास यहाँ पे वॉच है तो आप यहाँ पे ना टाइमर सेट कर सकते हो। वैसे तो 5 मिनट अगर आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस या कॉलेज जाने से पहले कर रहे हो तो 5 मिनट शावर रूटीन इज इनफ। बट अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप 10 मिनट दे सकते हैं अपने शावर के लिए, देन प्लीज 10 मिनट का टाइमर जरूर सेट करिए। इसके बाद स्टेप आता है ड्राई शावर का। ड्राई शावर के लिए इस टाइप का एक लूफा ले सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा जेंटल है। इसे अपनी स्किन के अच्छे से मसाज करो। इससे क्या होता है, हमारी स्किन में जो डेड स्किन जमा होती है ना वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाती है, जो ऊपरी डेड स्किन होती है वो तो निकल ही जाती है, साथ साथ हमारी स्किन में ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है। ब्लड फ्लो से हमारी स्किन ग्लोइंग बनती है और हमारी स्किन शाइनी भी होती है। अब इसके बाद बारी आती है हेयर रिमूवल की। अगर आप मंडे टू फ्राइडे शावर रूटीन फॉलो कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको ना पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करना एवरीडे जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बियर्ड पे ध्यान दे सकते हो और नेक हेयर पे, क्योंकि वही हमारी टी शर्ट से दिखते हैं। बियर्ड अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी तो हम प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर आप वीकेंड में कर रहे हो तो आप अपनी पूरी बॉडी के हेयर भी रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बियर्डो का ये बॉल ट्रिमर। इसमें आपको ना एलईडी लाइट मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है कि कितनी देर आपका ट्रिमर चल सकता है। और इससे मैं धीरे धीरे अपनी सारी बॉडी के बाल हटा लूंगा। हेयर रिमूवल के बाद बारी आती है अपनी बॉडी को वेट करने की और एक्चुअल शावर रूटीन को शुरू करने की। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शावर से नहाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक्चुअली अपना ओल्ड ट्रेडिशनल वे यूज करने वाले हैं, विच इज बाल्टी एंड मग्गा। क्योंकि जब हम शावर से नहाते हैं ना तो हमारा पानी वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, वहीं अगर हम बकेट एंड मग से नहाते हैं तो हमारा 75% वाटर वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम आज यही मेथड यूज करने वाले हैं और ये हमारा एंशियंट मेथड भी है, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। अभी बॉडी को अच्छे से वेट करने के बाद सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हेयर वॉश से। तो हेयर वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक माइल्ड शैम्पू, जिसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट भी करेंगे, क्योंकि शैम्पू जितना भी केमिकल फ्री उसमें थोड़े बहुत केमिकल होते हैं एंड उसको डाइल्यूट करने से वो केमिकल भी आपके हेयर पे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज करिए सर्कुलर मोशन में 2 मिनट के लिए एंड अच्छे से उसको रिंस कर लीजिए, जिससे कि शैम्पू के रेसिड्यू आपके स्कैल्प में रहे ना। अब इसके बाद बारी आती है अपने फेस को वॉश करने की। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक जेंटल सा फेस वॉश। थोड़ा सा फेस वॉश हाथ पे लेकर के हाथों में ही सबसे पहले फोम बनाइए एंड देन स्किन पे 30 सेकंड के लिए मसाज करिए। आप चाहो तो उससे अपनी बियर्ड भी वॉश कर सकते हो एंड जो कानों के पीछे का एरिया होता है जो कि यूजुअली लड़के अवॉइड करते हैं, वहां पे भी अच्छे से क्लीन करो और पानी से अच्छे से धो लो। फेस वॉश के बाद अब बारी आती है बॉडी को वॉश करने के लिए। तो मैं यहां पे यूज कर रहे हैं बॉडी वॉश। लूफा को हम लोग पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे, जिससे कि उसमें झाग अच्छे से बन पाए एंड थोड़ा सा बॉडी वॉश लेकर के और बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। अब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट है शरीर में जो कि हम लड़के यूजुअली अवॉइड करते हैं, तो आज हम उन्हीं में ही फोकस करने वाले। सबसे पहले तो कानों के पीछे, नेक का एरिया, अंडर आर्म्स का एरिया, एल्बोज का एरिया, नीज एंड इनर थाइस का एरिया, लास्टली फुट। ये सारे बॉडी एरियाज वो हैं जो हम लोग यूजली अवॉइड करते हैं व्हाइल टेकिंग शावर, जिसकी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है। इन एरियाज को हमको ज्यादा फोकस करना है और ओवरऑल बॉडी पे तो हमें बॉडी वॉश लगाना ही है। जैसे आपकी बॉडी पे अच्छे से साबुन लग जाए देन उसको वॉश कर लीजिए, अपनी बॉडी को रिंस कर लीजिए एंड लास्ट में स्टेप आता है इंटीमेट वॉश का। इसको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं बट यू शुड नेवर अवॉइड इट। एक अच्छा इंटीमेट वॉश जरूर यूज करना चाहिए, इसे आप अपने प्राइवेट पार्ट और बट एरिया दोनों क्लीन कर लो। लास्टली शावर लेने के बाद ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गीली बॉडी में ही कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कपड़े चिपक जाते हैं और इचिंग की प्रॉब्लम होती है थ्रू आउट द डे। तो इसलिए अपनी बॉडी को ड्राई करना इज सुपर इंपॉर्टेंट। जेंटली तरीके से अपनी बॉडी को पैट ड्राई करिए एंड देन अगर आपके पास 30 सेकंड का टाइम है तो अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। हो सके तो आप धूप में खड़े हो जाइए, ये बेस्ट वे है अपने बालों को ड्राई करने का। लास्टली अपने बॉडी पे डिओड्रेंट लगाइए, फ्रेश कपड़े पहनिए एंड कॉम्ब करिए एंड स्किन केयर करिए एंड यू आर गुड टू गो। ये हो गया हमारा 10 मिनट शावर रूटीन जो कि आप लोग एवरीडे बेसिस में ले सकते हैं एंड अपने शावर रूटीन को इफेक्टिव बना सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।